2024 का सबसे पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को देखने को मिलेगा। इसका असर भारत में तो नहीं रहेगा, फिर भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। यह चंद्र ग्रहण का जो समय ज्योतिष के अनुसार 10:23 से प्रारंभ होगा और दोपहर 3:02 तक इस ग्रहण का असर रहेगा। यहाँ देखिए, पूरी पत्रिका के अंदर चंद्रमा ही सबसे ज्यादा एक प्रभावशाली ग्रह है। इसी चंद्रमा के हिसाब से ही आपकी राशि रखी जाती है। जहां चंद्रमा बैठा है, एक नंबर पर है मेष राशि है, 2 नंबर पर है तो वृषभ राशि है। इस तरीके से जहां जहां चंद्रमा बैठ जाता है वही आपकी राशि होती है। और जैन धर्म में कहा जाता है चंद्रमा इंद्र है, बाकी सूर्य ग्रह नक्षत्र और तारे चंद्रमा के ही परिवार है। अब यहाँ हम आपके मतलब की बात आपके बीच में रखना चाहते हैं। यह चंद्र ग्रहण आपके बीच में जब आता है उस समय की स्थिति क्या होती है? जब हमारी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाता है उस समय भी चंद्रमा अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता है। और यहाँ पर ज्योतिष में देखा जाता है कि 6वां घर रोग भाव है, 8वां घर मृत्यु भाव है और 12वां घर आपके गमन का भाव है। ऐसे 3 भावों में यदि चंद्रमा बैठ जाया करता है पाप ग्रह से युक्त होकर के या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, इस प्रकार के प्रभाव से हमारे परिवार में मातृ कष्ट होता है, मानसिक वेदना होती है। 11वें घर भाव में चंद्रमा और 3रे भाव में केतु बैठ जाता है, ऐसी स्थिति में भी महिलाओं के प्रसव संबंधी समस्या आके खड़ी हो जाया करती है। बहुत सारी यात्रियों को भी यात्रा का कष्ट देखना पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं 8वें भाव में जब चंद्रमा आके बैठ जाता है तो इससे हमारे परिवार के संबंध खराब होते हैं, शारीरिक कष्ट होता है, संतानहीनता आती है, फेफड़ों में कष्ट, गुर्दे में कष्ट, मिर्गी जैसी समस्या आपके सामने और जो बड़ी बीमारी आपके सामने देखने को मिलती है जिसे कहते हैं कैंसर का रोग, यह भी हमें इन ग्रहों के माध्यम से देखने को मिला करता है। आज की स्थिति में जब हम देख रहे हैं यह जो साल चल रहा है 2024 पूरा टोटल करते हैं तो यह 8 नंबर होता है। 8 नंबर है शनि का। जब चंद्रमा प्रभावशाली होता है शनि के साथ तो यहाँ पर विष योग बना देता है। तो यहाँ हमें यही देखना है कि मेरा चंद्रमा कैसा है। चंद्रमा यदि खराब होगा, घुटने में दर्द होगा, जुकाम होगा, फेफड़ों से संबंधी समस्या होगी, श्वास लेने में भी आपको तकलीफ हो सकती है। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है आपको रात्रि काल में चावल का उपयोग नहीं करना है, दूध ग्रहण नहीं करना है, ठंडी वस्तुओं का सेवन संध्या काल बेला के बाद भी करना है। इसके बाद आपको 11 अमावस्या तक 1.25 किलो चावल पकाना है, उसमें आपको 250 ग्राम दही मिलाना है और भक्तामर का 18 नंबर जो काव्य है बहुत प्रभावशाली है। आचार्य मानतोर स्वामी ने चंद्र से ग्रसित या चंद्रमा के साथ राहु बैठने का जो बुरा असर होता है उसे कम करने के लिए या फिर जब चंद्र ग्रहण लगता है उस काल में, जब तक ग्रहण काल चल रहा है उस काल तक आप भक्तामर के 18 नंबर काव्य का पाठ करें, आप देखिए चमत्कार होगा, एक अच्छा प्रभाव आपके जीवन में देखने को प्राप्त होगा। यह 18 नंबर काव्य आप चंद्र ग्रहण के लिए पढ़ सकते हैं। इसके बाद
आप मंदिर में चांदी की धातु से बनी हुई कोई चीज पूजा में या अभिषेक में भेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप जब भी ड्रेस पहने तो आपको सफेद शर्ट के साथ काले कपड़े नहीं पहनना है या काला पैंट नहीं पहनना है। इसके बाद 21 केले अपने जन्मदिन पर आप गरीबों को बांट सकते हैं, अनाथालय में जाके बांट सकते हैं, वृद्धाश्रम में जाकर के आप बांट सकते हैं। यदि आपको लग रहा है और भी बुरा असर हमारे जीवन पर पड़ता जा रहा है, इसका मतलब यही है आप पानी व्यर्थ में बहाते होंगे। पहली बार आपको कभी कहीं हैंडपंप नहीं लगाना है, पानी का दान नहीं करना है, बस आपको इसको अच्छा करने के लिए ओम चंद्राय नमः या फिर ओम ह्रीम चंद्र प्रभु देवाय नमः इस प्रकार से इस मंत्र का जाप प्रातःकाल की वेला में, जब आप प्रातःकाल चंद्रमा देखते हैं सुबह 4 बजे से 6:30 बजे के बीच में, उसके सामने बैठ करके आप साधना कर सकते हैं, या फिर संध्या काल वेला में जब चंद्रमा निकलता है उस समय भी आप साधना कर सकते हैं। यह ग्रहण आपका दूर हो, भगवान की शक्ति को आप ग्रहण कर सकें और उस चंद्रमा की तरह प्रभावशाली चंद्र प्रभु भगवान का ध्यान करके आप अपने जीवन को सुखी बनाएं, बहुत सारी परेशानी से आपको छुटकारा मिले। जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में आ रही है, बस आपके जीवन में सुखदायी क्षण हो। और जो ग्रहण काल आपके बीच में आने वाला है 25 मार्च को, बस उस ग्रहण काल में आप जितने ग्रहण समय तक ग्रहण काल चलेगा उतने समय तक आप भक्तावन का पाठ करेंगे, आपका जीवन सुखी हो, आनंदित हो, प्रसन्न चित्त हो, यही मेरी भावना है। एक बात और कहना चाहता हूँ, होली है आज, आपको व्यर्थ में पानी नहीं बहाना है, रंग नहीं लगाना है। रंग लगाओगे तो सामने वाला रंग को छुटाने के लिए पानी बहेगा, इसका पूरा दोष आपको लगेगा। बस आपको होली रंगों के साथ नहीं खेलना है, आपको होली भगवान की भक्ति के साथ खेलना है, जिससे आपका जीवन सुखी हो सके।